हेलो गाइस, इस शेयर का आप सभी तो जानते ही होंगे। वीवो की तरफ से एक ऑनलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन आने वाला है, जेड सीरीज़ का, जी सीरीज़ का एक नया डिवाइस आने वाला है जिसका नाम है वीवो का Z1 Pro। और ये डिवाइस बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, 3 जुलाई को ये डिवाइस लॉन्च होने वाला है। और अकॉर्डिंग टू रिमर्स, अकॉर्डिंग टू लीक्स और बहुत सारी ट्रस्टेड सोर्स है ये कि इस डिवाइस का जो प्राइसिंग होने वाला है वो 15,000 से हो सकता है, 15 से लेकर 17,000 की रेंज में ये डिवाइस हमें इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। तो यही है बात, और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर इंटरेस्टेड है। तो आज इस वीडियो में कुछ रीजंस बोलने वाला हूँ कि आपको क्यों इस डिवाइस के लिए वेट करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न है कि इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 712 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया का सबसे पहला स्मार्टफोन यही है जिसमें हमें स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप पबजी खेलते हो तो बहुत ही अच्छी तरह से पबजी खेल पाओगे। 20,000 की रेंज में बहुत सारे स्मार्टफोन आता है जिसमें स्नैपड्रैगन 675, स्नैपड्रैगन 710 देखने के लिए मिलता है। उनसे तो अच्छा पावरफुल, उनसे तो अच्छी तरह से गेमिंग प्ले आप कर पाओगे इस डिवाइस में, क्योंकि इसमें हमें अच्छा प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। तो यही है बात, फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी भी सपोर्ट करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार ओवरऑल हम बोल सकते हैं रियलमी 3 प्रो, रेडमी नोट 7 प्रो और सैमसंग गैलेक्सी M40, इन तीनों डिवाइस से तो बहुत ही अच्छे पावरफुल आपको डिवाइस यही देखने के लिए मिलेगा। तो 15,000 की रेंज में अगर ये डिवाइस आता है तो कॉम्पिटिटिव हम बोल सकते हैं इन सभी डिवाइस को परफॉर्मेंस के साइड से किल कर देगा। तो यही है बात। सेकंड रीज़न बोलना चाहूँगा इस डिवाइस का जो बैटरी है वो और फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी। तो यार इस डिवाइस में वीवो के Z1 Pro में हमें 5000 mAh का मैसिव बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलता है। तो 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, तो बैकअप आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। और 20,000 की रेंज में हम बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा बैटरी इसमें ही हमें देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है, तो 18 वाट का फास्ट चार्जर इंक्लूडेड है, बॉक्स में ही हमें देखने के लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर 15,000 की रेंज में 5000 mAh का बैटरी कैपेसिटी हुई तो 18 वाट फास्ट चार्जर ये आता है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो गेमिंग आप बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगे और बैटरी जो चार्ज है वो भी फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे में बैटरी की साइड में भी ये जो डिवाइस है वीवो का Z1 Pro, ये रियलमी 3 Pro और रेडमी नोट 7 Pro और सैमसंग गैलेक्सी M40, इन तीनों डिवाइस को ही कॉम्पीट करेगा। परफॉर्मेंस की साइड से भी कॉम्पीट करेगा, बैटरी की साइड से भी कॉम्पीट करेगा। और थर्ड पॉइंट बोलना चाहूँगा पंच होल डिस्प्ले। तो 15,000 की रेंज में अगर पंच होल डिस्प्ले के साथ ये डिवाइस आता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 20,000 की रेंज में, 20,000 की प्राइसिंग रेंज में हमें अभी के टाइम में सैमसंग गैलेक्सी M40 मिल रहा है जिसमें हमें पंच होल डिज़ाइन, पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। तो पंच होल डिस्प्ले, वही डिस्प्ले अगर 15,000 की रेंज में आता है तो बहुत ही अच्छा होगा बोल सकते हैं, और देखने में भी अच्छा लगता है। और गाइस अगर बात करें इस डिवाइस के डिज़ाइन की तो प्लास्टिक बॉडी है इसलिए पकड़ने में उतना अच्छा प्रीमियमनेस फील नहीं होगा, लेकिन अच्छा ही है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा ही है, लेकिन देखने में ये डिवाइस बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ग्रेडियंट फिनिश के साथ आएगा तो आई कैचिंग आप बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। बाकी इसमें हमें 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने के लिए मिला है, IPS LCD पैनल है यहाँ पे। तो 15,000 की रेंज में पंच होल डिस्प्ले बहुत ही अच्छा होगा ये हम बोल सकते हैं अभी के टाइम में, और बहुत ही कम प्राइस पॉइंट में मिलता है पंच होल डिस्प्ले ये हम बोल सकते हैं। तो ओवरऑल यंग जनरेशन में अभी के टाइम में हमें क्या चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, बैटरी चाहिए, डिज़ाइन चाहिए और कैमरा चाहिए। तो ये सब चीज़ इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा, वो भी 15,000 की प्राइसिंग रेंज में। तो हम बोल सकते हैं ये जो डिवाइस है ना ये एकदम वैल्यू फॉर मनी होगा। तो मैं कैमरा को रीजन में नहीं ऐड करूँगा, लेकिन फिर भी इस डिवाइस का जो कैमरा होने वाला है वो बहुत ही अच्छा है। तो बहुत सारे चैनल में इसका जो कैमरा रिव्यू है वो अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हो वहाँ पर जाके। तो कैमरा भी इस डिवाइस का बहुत ही अच्छा है, वीवो की तरफ से, मतलब वीवो जो है वो कैमरा स्मार्टफोन ही बनाता है, तो बहुत ही अच्छा कैमरा है। बाकी इसमें हमें ट्रिपल लेयर कैमरा देखने के लिए मिलता है, एक सेंसर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे हमें 32 MP का मस्त कैमरा, फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो कैमरा भी इसका बहुत ही अच्छा होने वाला है। बाकी अगर बात करें तो इसमें हमें बहुत सारे गेमिंग फीचर भी देखने के लिए मिलेगा, जिसे काम मिलेगा आपका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है, मोबाइल का गेमिंग परफॉर्मेंस है वो और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत सारे टर्बो फीचर देखने के लिए मिलता है, मल्टी टर्बो, कूलिंग टर्बो, गेम टर्बो, R++ टर्बो, तो इन्हें काम मिलेगा थोड़ा सा, तो एक्सपीरियंस अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा गेमिंग में। और गाइस बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे हमें डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट भी, ट्रिपल स्लॉट देखने के लिए मिलता है, तो ये अच्छी बात है। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, हर रीज़न में ही एक रीज़न आता है कि इसका प्राइसिंग। तो बहुत सारे सोर्सेज ऐसा बता रहा है कि ये जो डिवाइस है वीवो का Z1 Pro वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा 15,000 की रेंज में। तो 15,000 की रेंज में अगर ये डिवाइस आता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हर पॉइंट में, हर रीज़न में यही रीज़न था कि 15,000 की रेंज में स्नैपड्रैगन 712, 15,000 की रेंज में 5000 mAh का बैटरी कैपेसिटी, 15,000 की रेंज में पंच होल डिस्प्ले। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको क्यों इस डिवाइस के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइस जो है वो 15,000 की रेंज में बहुत ही अच्छा पैकेज लेके आने वाला है। तो यही है बात, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल में इसका जो रिव्यू वीडियो है, इसका जो गेमिंग रिव्यू, मतलब कैमरा रिव्यू, वो भी अपलोड हो चुका है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ये वीडियो कहीं से भी, मतलब स्पॉन्सर नहीं है,
और यार कुछ ड्रॉबैक की बात करें तो दो ड्रॉबैक मुझे पर्सनली अभी के टाइम में देखने के लिए मिला, वो है इसका जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट और इसका फनटच ओएस। तो ये फनटच यूआई बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता है, लेकिन अभी के टाइम में हम कुछ नहीं बोल सकते। फनटच यूआई कलर वाइज जैसे ही अभी के टाइम में इम्प्रूव हुआ है थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं, और बहुत सारी गेमिंग फीचर भी हमें देखने के लिए मिलता है, बहुत सारी एआई फीचर भी देखने के लिए मिलता है, जिसके वजह से परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मतलब आपको ऐसा लैगी वैगी फीलिंग नहीं होगा इस यूआई में। तो ये बात, और माइक्रो यूएसबी की बात करें तो अभी के टाइम में कुछ नहीं कर सकते, और बहुत सारी दिक्कत लोग जो बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही वैसे ही बात हो गया है। अगर 15,000 की रेंज में आता है तो बहुत ही तहलका मचा देगा ये डिवाइस। स्नैपड्रैगन 712, पंच होल डिज़ाइन, 5000 mAh का बैटरी कैपेसिटी। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये जो डिवाइस है ये वेल वर्थ वेटिंग है, आप बोल सकते हैं। अगर आप लोग ये डिवाइस खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली आप खरीद सकते हो। तो 15,000 की रेंज में ये डिवाइस बहुत ही अच्छा होने वाला है, यही है बात, और यही कुछ रीज़न है कि आपको क्यों वीवो Z1 Pro के लिए वेट करना चाहिए। तो यही था वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम अशोक, मिलता है होप से एक एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।